देखो इसको इस तरह से बांधे कि ताकि ये टांगे ना मारे और दूध हम आसानी से निकाल सके। आप पकड़े, मैं दोनों हाथों से निकालती हूँ। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो से जुड़े रहना है, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अभी जो है ना, मैं इधर से लकड़ी लेने के लिए आई हूँ। एक तो लकड़ी हमारी वहाँ पड़ी है ना, जो हमारे घर के आगे की जगह है ना, वहाँ पर पड़ी है, ये पड़ी है सड़क से। तो ये हमने जो है ना, अब जो कपास थी वहाँ से हमने ली थी, क्योंकि हमारी जो खुद की कपास की लकड़ी थी ना, वो थोड़ी कम पड़ती थी, इसलिए हमने सोचा एक ट्राली और भी जो है ना लकड़ी की ले लेते हैं, ताकि हमें लकड़ी की कमी ना हो। क्योंकि फिर हमारा यहाँ पर गैस वगैरह का इंतज़ाम तो नहीं है, सारा काम लकड़ी से होता है। तो अभी जो है ना, मैं बच्चों की तरफ आई हूँ। बच्चे लगता है खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? अच्छा, खेल के हमें भी दिखाओ। वाह भाई वाह, भागो आप इसके पीछे। इसको लग गई, अब आपकी बारी। तो पीठो तो आप लोग ने बनाया ही नहीं, इसे लग गया। तो हम भी पहले ऐसे ही खेला करते थे जैसे अब हमारे बच्चे खेल रहे हैं। इसका कैच होगी, इसे खेलना नहीं आता अभी, है ना? तो काम वगैरह लिख लिया स्कूल का? हाँ, तो नहीं गए, वो यूनिफॉर्म वगैरह तो मैंने धो के रख दिए। लग गई है, सच कह रही, लग गई है। अभी जो है ना, आप लोग खेल, मुझे भी साथ भी खिला रहे हो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। चलो ठीक है, आज मैं भी खेल के देखती हूँ, ख्याल रखना। पहली बार में कैच हो गई, चलो दोबारा से चेक करते हैं। मैं कभी खेल ही नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे खेला ही नहीं आता। आप लोग खेलो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो अभी हमने चाय पी है, तो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी धो लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। यही तो हमारे काम होते हैं घर के, कभी कोई काम तो कभी बच्चों के साथ टाइम गुजारना। तो बच्चे भी खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ खेलो, तो मैं थोड़ी देर उनके साथ खेली। मुझे खेलना भी नहीं आता, भूल गई हूँ। स्कूल में हम खेला करते थे जो छोटे थे, अब वही खेले हमारे बच्चे खेलते हैं। मैंने लहसुन को छीला है और अब मैं लहसुन लेना, क्योंकि अब सालन बना रहे हैं तो उसके लिए मिसाल तो इस्तेमाल होती हैं। हरी मिर्च और सब धनिया, आलू भी मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, तो इनको भी काटना है अभी। तो सब जैसे जैसे मिसाले तैयार करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो लहसुन मैंने छील लिया और अभी आग भी जला रहे हैं। तो असल में आज जो है ना, हाँ असल में हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो हमारे काफ़ी करीब के रिश्तेदार हैं, तो उनकी पोती हो गई है। तो मामू जी अभी आए नहीं हैं, पत्नी कहीं गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो फिर शाम को 6 बजे उनका नमाज जनाजा है, तो वहाँ पर फिर मेरी सास और मेरे मामू जाएंगे। तो अभी मामू का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं तो खाना बना लूँ, फिर मामू आएँगे तो ये चले जाएँगे। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बेचारे बीमार थे। तो बस इंसान के जिंदगी तो बस ऐसी ही होती है, बस अल्लाह ताला से जो है ना, मतलब अल्लाह ताला के काम करने चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। तो अभी प्याज भी छील लेते हैं, सारे मसाले एक साथ बना लूँगी, उसके बाद फिर बनाना शुरू करूँगी। आज सिर्फ आलू अकेले बना रहे हैं हम। आपको हाँ, मामू थे नहीं तो जो हमारे पास पड़ा था वही बना रहे। समय 2-3 दिन से मामू को काफ़ी काम पड़ गया है, तो सारा दिन उसी काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। तो बस सुबह के टाइम होते हैं, तो कुछ सामान वगैरह जो लेना होता है वो लेकर के चले जाते हैं। आज भी सुबह सवेरे जो है ना, चाय वगैरह पी के वो चले गए हैं, उनके जो है खाना बना रहे हैं। तो सामान जो है आलू छिल रही है, मैं तब तक आग जला लेती हूँ। तो अभी आग जो है जला ली है, तो घी इसमें डालेंगे। तो अभी जो है घी गर्म हो चुका है, तो प्याज इसमें डालते हैं, और प्याज को हमें अच्छी तरह से ब्राउन करना है।
अभी हम खाना बना रहे हैं तो मामू की कॉल भी आई है, वो कह रहे हैं कभी मैं पहुँचने वाला हूँ। तो आज है ना मेरी फूफो आई थी, दूसरी फूफो इनके पास, तो उन्होंने इनके साथ सलाह कर ली है ना, हो नहीं गई फूफो जी आई नहीं थी आज, तो इनकी बहन थे इनकी जो आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आज शुक्र है कि वो आए हैं, इनसे मतलब माफ़ी मांग ली है कि ऐसा कभी भी हम ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई हमारी लड़ाई हम किसी के सामने हम शेयर नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है कि इनकी सलाह होगी, क्योंकि अपनों के साथ लड़ाई झगड़े इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती, तो इंसान को साथ मिलकर ही चलना चाहिए। तो वो भी हमारी सभी फूफो है, अक्सर वो हमारे पास आती रहती थी, तो आज काफ़ी दिनों के बाद वो हमारे पास आई थी। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो टमाटर हरी मिर्च भी डाल देते हैं, ये लहसुन का पेस्ट भी। तो अभी हम इसमें और मसाले कुछ डालते हैं, लाल मिर्च तकरीबन डेढ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं और एक चम्मच नमक, और खुश्क धनिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखिए डिब्बा खाली हो गया है। चले कोई बात नहीं, सुबह ले लेंगे, अभी तो हमने डाल दिया, तो अब मसाले मिक्स करेंगे। तो अभी जरा मसाला हमारा तैयार हो रहा है, बस थोड़ी सी देर है, ये देखें। तो आलू भी हमने काट के अच्छी तरह से धो लिए हैं, और साथ में सब धनिया भी कूट के रखा हुआ है, मतलब काट के रखा हुआ है, ये एन में डालेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है, और गाय का दूध निकालने का भी टाइम हो रहा है, तो अभी इस बच्चे को लेके चलते हैं गाय के पास, छोड़ दो वो दिभाग जाएगा वो देखे, इधर दिखाए आगे वाली टांगों पे पिछला पिछला मुझे मार ही ना दे, हाँ कर दिए था, दोबारा मार 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 मार, एक मिनट एक मिनट, ये देखो इसको इस तरह से बांधेंगे ताकि ये टांगे ना मारे और दूध हम आसानी से निकाल सके। मुझे मैं क्या कर रहा है, मुझे मैं देख रहा है कि बच्चा दूध कैसे पी रहा है, गोड़े भाग इनसे निकाल दे, एक हाथ ना उड़े, असल में इसकी आदत बन जाती है अगर मैं ना निकालती, तो इसलिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा दूध इसका निकाल लेता हूँ। ये देखिए अब ये मुझे कुछ नहीं कहती, पहले मारती थी, तो ये दूध गाय का बहुत ही अच्छा होता है, ताज़ा ताज़ा दूध होता है, और इसकी चाय और मुजम्मिल की चाय चाय भी हम बनाते हैं। हाथ ना दे दो आप पकड़े में दोनों हाथों से निकालते हैं, ये देखिए वैसे मैं भैंस का दूध भी निकाल लेती हूँ, ये बात नहीं है, वो मुझे मारती बहुत है, ये फिर भी नहीं मारती, उता भी नहीं। हाँ। तो अभी जगह सेट करती हैं, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है हमें, मुजम्मिल है ना सर्दी है ना, तो ये रजाई आज मैंने निकाली है मुजम्मिल के लिए, मुजम्मिल कहता है कि मुझे नई रजाई निकाल के दो, मुझे सर्दी लगती है, तो ये रजाई जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, ये शनील की है, ये देखे इसका डिजाइन भी बहुत प्यारा है, तो इस तरह की रजाई है ये, मेरी अम्मी ने मुझे जहेज में दी थी, इस तरह की काफी खूबसूरत जहेज में उन्होंने मुझे रजाइयां दी थी, तो अभी जाना मैं रजाई लेकर आऊं, आप पहले सो के मुजम्मिल की जगह है, मुजम्मिल सोएगा, ये रजाई डाल के सो जाओ, हाँ ये देखे सती लगी हुई है आज, ये पसंद आई है, चले मुजम्मिल को पसंद आ गई, यही हमारे लिए बड़ी बात है, मुजम्मिल काफी दिन से तो कह रहा था कि मुझे यही वाली जैसे, असल में मैं पेटी खोलती हूँ तो जाके देखता है कि क्या क्या चीजें इसमें पड़ी हुई हैं, तो कहता है कि मुझे यही रजाई निकाल के दो, तो आज मुजम्मिल की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, तो कुछ बिस्तर और भी पड़े हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह रखते हैं यहाँ पे, तो सोने का टाइम भी फिर हो जाएगा, अभी तो मगरिब का टाइम हुआ है, अभी मुजम्मिल थका हुआ है ना, मुजम्मिल भी थका हुआ है क्योंकि सारा दिन फिर खेलता रहता है, सोता है नहीं दिन को, शाम को 6 बजे से नींद होती है, तो आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो हमारे न्यू चैनल पर आ रहे हैं, जो हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, आपसे पूछते हैं कि हमारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, कितने मतलब लोग रहते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देखें आपको सब पता चल जाएगा, तो पिछली हमारी जो वीडियो वो भी काफी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया है चैनल बनाते हुए, तो माशाल्लाह मेरी अच्छी अच्छी वीडियो है,
तो वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।